हमेशा हम सभी लोग सोचते हैं ढाबे में क्या सब्जी देवे क्या नहीं देवे, तो ऐसा हमेशा तो हमें लगते हैं सूखे सब्जी होए तो अच्छा लगता है, ढाबे में अच्छे से सूखा सब्जी जाते हैं। तो चलिए आज का रेसिपी में हमने बनाया है चौली का सूखा सब्जी। तो कैसा हमने बनाया है पूरा वीडियो में आके देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिप्रा गुरु होममेड फूड में आप सभी को स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हो, अच्छे से रहिए। तो आज हम चौली का रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये हम सूखे चौली का रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आप देख सकते हो ये चौली है, ये चौली हमने 200 ग्राम रात भर भिगो के रख दिए थे और इसे हम बॉयल करके ले लिए है। आप देख सकते हो ये हमने बॉयल करके लिए है और चौली बॉयल करना एकदम ईजी है, फटाफट बॉयल हो जाते हैं। इसे कुकर में बॉयल मत कीजिएगा, ऐसा ही टोब में आप बॉयल कर सकते हो। और चौली का रेसिपी हमने पहले भी शेयर किए हैं आप लोगों के साथ। हमने चौली का जो पहले रेसिपी शेयर किए हैं वो हमने ग्रेवी वाला बनाया, यानी कि थोड़ा सा रस्सा वाला हम बनाया, और ये हम सूखा वाला आपके साथ शेयर करेंगे। ये आप डब्बे में पैक करके भी लेके जा सकते हो, बाहर ऑफिस में जा रहे हो तो लेके जा सकते हो, या तो बच्चे का डब्बे में भी टिफिन में भी दे सकते हो, इसीलिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये सूखा सब्जी आप बना सकते हो। तो चलिए ये हम बॉयल करके लिए है और इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो भी हम एक एक करके आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो एक टमाटर हमने कटिंग करके ले लिए है, दो हरी मिर्ची को चीरा लगा के ले लिए है और आधा इंच अदरक को ग्रेट करके लिए है, लहसुन को ग्रेट करके लिए है। ये लहसुन हमने 7 से 8 कलिया लहसुन ग्रेट करके लिए है, हरा धनिया लिए है कटिंग करके, और दो बड़े साइज का प्याज हमने कटिंग करके लिए है। प्याज थोड़ी सी बड़ा चाहिए, यानी कि बड़ा चाहिए और थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, तो हमने बड़े प्याज दो हम कटिंग करके ले लिए है। और सूखे मसाला में तो वो बेसिक मसाला है लगेगा, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, वो तो लगेगा ही लगेगा, वो हम जब डालेंगे एक एक आपके साथ बताते हम जाएंगे, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप लोग आके चेक कर सकते हो या तो देख सकते हो आप। तो चलिए शुरुआत करते हैं रेसिपी। तो गैस चालू करके कढ़ाई बिठा दिए है, पहले हम ऑयल ऐड कर देते हैं। तो ऑयल थोड़ी सी गर्म होने के लिए वेट करते हैं। ऑयल हमारा गरम हो गया है, पहले हम एक चुटकी जीरा डाल देते हैं। तो जीरा थोड़ा सा लाल होने तड़कना चाहिए। अभी हम ऐड कर देते हैं ऑनियन कटिंग किया हुआ, तो ऑनियन हल्का हल्का ब्राउन हो गया है। अभी हम ऐड कर देते हैं अदरक और लहसुन जो ग्रेट करके रखे हैं, ये हम ऐड कर देते हैं। देख के ये भी हम भून लेते हैं अच्छी तरह, खुशबू आने तक या तो कच्चापन जाने तक भूनना है अच्छी तरह। ये एकदम सूखी रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनते हैं, आप लोग घर पर जरूर एक बार ट्राई कर सकते हो। ये ढाबे में तो एकदम परफेक्ट रेसिपी है क्योंकि ये सूखा बनेगा। तो अदरक लहसुन का कच्चापन चला गया है, अभी हम ऐड कर देते हैं टोमेटो और कटिंग किया हुआ हरी मिर्ची। ये डाल के हम इसे भी सॉफ्ट होने तक भून लेते हैं अच्छी तरह, और टमाटर सॉफ्ट होने के लिए हम थोड़े से नमक ऐड कर देते हैं इसमें, तो जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। नमक इसीलिए कम डाले हैं, पहले हम बॉईल करने का टाइम चौली में नमक डाल के रखे हैं इसीलिए। तो टोमेटो सॉफ्ट हो गया है, अभी हम इसमें एक एक करके सूखे मसाला ऐड करते हैं। पहले हम डाल देते हैं रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टेबल स्पून डाल दिए हैं, अभी हम इसमें ऐड करते हैं धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून और इसमें जाएगा जीरा पाउडर, तो जीरा पाउडर भी हमने 1/2 टेबल स्पून ऐड कर देते हैं। तो अभी सारे मसाला को हम एक ही साथ में मिक्स कर देते हैं। गरम मसाला अभी ऐड नहीं किए हैं, हम थोड़ी देर बाद ऐड करेंगे। तो मसाला अच्छी तरह भुना गया है, अभी हम इसमें ऐड कर देते हैं बॉईल किया हुआ चौली। चौली ऐड करके हम मसाला के साथ में अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं।
मिक्स करके उसके बाद हम गरम मसाला ऐड करेंगे और हाफ टेबल स्पून इसमें हल्दी पाउडर भी जाएगा। ये हल्दी पाउडर हाफ टेबल स्पून ये भी हम डाल दिए हैं, चला देते हैं अच्छी तरह। तो चौली मसाला के साथ में हमने अच्छी तरह भून के ले लिए हैं, आप देख सकते हो मसाला के साथ में लिपटा हुआ है। अभी इसमें ऐड कर देते हैं हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज्यादा गरम मसाला, ये हम डाल दिए हैं। इसे भी हम मिक्स कर देते हैं। इसी तरह मिक्स करना है, उसके बाद थोड़े से हम पानी इसमें ऐड करेंगे। तो अभी हम इसमें थोड़े से पानी ऐड कर देते हैं, ज्यादा पानी नहीं जाएगा क्योंकि ये सूखा बनेगा, इसीलिए अभी इसे ढक के हम एक से दो मिनट रख देते हैं। उसके बाद हम इसमें हरी धनिया ऐड करेंगे, ढक देते हैं, ढक के छोड़ देते हैं। तो अच्छी तरह पानी सूख गया है, अभी हम इसमें ऐड कर देते हैं हरी धनिया, देख के मिला देते हैं अच्छी तरह। तो ये आप देख सकते हो एकदम रेडी हो गया है, ऐसा ही सूखी बनेगा, देखिए एकदम सूखा सूखा ही सब्जी बनते हैं। तो चलिए हम प्लेटिंग करके आप सभी से मिलते हैं। आप सभी लोग देख सकते हो चौली का सूखा सब्जी हमारा रेडी हो गया है और देखने में जितना बढ़िया है खाने में उतना ही टेस्टी है। ये आप डब्बे में भी दे सकते हो, एकदम सूखा बना है, आप लोग जरूर एक बार ट्राई कर सकते हो। और इसका गीला वाला सब्जी भी है हमारा चैनल में, आप आके देख सकते हो, या तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप चेक कर सकते हो। तो चलिए ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो लोग नए हो हमारे चैनल में प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूंगी तभी आप सभी को तुरंत मिल जाएगा देखने के लिए। फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए सभी लोग अच्छे से रहिए। आप सभी लोग आपका कीमती टाइम हमें देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।